अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीन नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने सेल और उसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के चैप्टर का नाम है फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो इसके अंदर हम सेल क्या है, उसकी साख क्या है, उसकी मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं, उसके अलावा उसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके फंक्शन क्या है, इसको डिटेल से करेंगे। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। द सेल इज़ नॉट मेरली अ बैग ऑफ फ्लूइड एंजाइम्स एंड केमिकल, इट इज़ आल्सो कंटेन हाईली ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। अब मोस्टली क्या समझा जाता है कि जो सेल है इसके अंदर वाटर होता है या फ्लूइड होता है, जिस जो कि इंजाइम और केमिकल से मिलकर बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मिलके पूरे सेल की फंक्शनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन ऑर्गेनेल्स को क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल्स। द फिजिकल नेचर ऑफ ईच ऑर्गेनेल इज एज इम्पोर्टेंट एज द सेल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर द सेल फंक्शन। अब जो ऑर्गेनेल्स हैं वो उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे कि सेल के अंदर मौजूद एंजाइम और केमिकल प्ले करते हैं। जैसे कि कोई एक ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन करना रुक जाए तो तमाम जितने भी सेल्स हैं उसको 95% तक एनर्जी का जो मिलना है वो रुक जाएगा। मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनेल की इतनी इम्पोर्टेंस है कि वो अगर काम करना रुक जाए तो उसकी वजह से ओवरऑल आपका सेल इफेक्ट होगा। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शनिंग रोक दे तो आपके सेल को 95% तक एनर्जी मिलना रुक जाएगा। अब उसके बाद दूसरे और स्ट्रक्चर्स की बात करें, मोस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन्स कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। और आपकी ऑर्गेनेल्स क्या, आपका सेल क्या, सब किससे मिलकर बनाता है, लिपिड्स और प्रोटीन से। तो दीज मेम्ब्रेन इंक्लूड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स एंड गोल्जी अपैरेटस। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको कवर किसने किया होता है, सेल मेम्ब्रेन ने, मेम्ब्रेन्स ने। जो ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन है वो भी किससे मिलकर बनी होती हैं, लिपिड एंड प्रोटीन से। द लिपिड ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोवाइड ए बैरियर दैट इम्पीड द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड वाटर सोलबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल कंपार्टमेंट टू अनदर बिकॉज वाटर इज़ नॉट सोलेबल इन लिपिड्स। अब चूंकि जितने भी जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं वो लिपिड बाय लेयर्स होते हैं, मतलब कि वो लिपिड इन नेचर होते हैं। तो लिपिड इन नेचर क्या होता, हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर को रिपेल करता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अब इन स्ट्रक्चर्स में चूंकि लिपिड्स हैं तो इस वजह से क्या फ़ायदा होगा कि वो वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होगा और वाटर को रिपेल करेगा। हाउएवर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन मेम्ब्रेन ऑफन डू पेनिट्रेट ऑल द वे थ्रू द मेम्ब्रेन दस प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज पाथवे ऑफन ऑर्गेनाइज इन टू एक्चुअल पोर्स फॉर द पैसेज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस थ्रू द मेम्ब्रेन। अब जो आपकी लिपिड बाय लेयर है इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है, ये पोर की फॉर्म में या चैनल की फॉर्म में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जो सेल के अक्रॉस पैसेज है, जो सेल के अक्रॉस एक्टिव या जो डिफ्यूजन हो रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, वो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। जो कि क्या करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब ये एक सेल का स्ट्रक्चर बताया जिसके अंदर बताया ये न्यूक्लियस है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, गोल्जी बॉडीज हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर सारा साइटोप्लाज्म है, ये लाइजोसोम्स हैं। तो इस तरह एक सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को, ये सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये MCQs और SCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसने सेल को कवर किया होता है और ये कह लें कि इसने सेल को ओवरऑल इन्वेल्प किया होता है। ये थिन लेयर होती है, इलास्टिक इन नेचर है और इसकी जो थिकनेस है 7.5 से 10 नैनो माइक्रोमीटर तक होती है, 10 मीटर थिक होती है, ठीक है, नैनोमीटर।
इट इज़ कम्पोज ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, और इस ये ओवरऑल प्रोटीन और लिपिड इन नेचर होती है। अब अगर बात करें कि कितनी कितनी परसेंटेज रेशियो है प्रोटीन की, तो प्रोटीन 55% मौजूद है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, फॉस्फोलिपिड 25%, कोलेस्ट्रोल 13%, लिपिड्स 4% और कार्बोहाइड्रेट 3%। ये रेशियो है ओवरऑल आपके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। लिपिड बैरियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इम्पीड्स वाटर पेनिट्रेशन। अब इधर उन्होंने बात की है, चूँकि आपकी सेल मेम्ब्रेन लिपिड इन नेचर है और कहीं कहीं उसके ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। अब आपने इसका मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा होगा FSC में, तो ये क्या कहता था कि जो लिपिड बाय लेयर है ये बेसिकली क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है, जबकि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सोलेबल होते हैं, उसको हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो फैट्स हैं वो जो फैटी पोर्शन है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, और जो प्रोटीनेशियस पोर्शन है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। द फॉस्फेट एंडोफॉस्फोलिपिड इज़ हाइड्रोफिलिक एंड द फैटी एसिड पोर्शन इज़ हाइड्रोफोबिक। अब आपने देखा होगा कि जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि लिपिड बाय नेचर होती है, अब इसके दो एंड होते हैं फॉस्फोलिपिड, हर मॉलिक्यूल के ना दो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो क्या करता है कि वो वाटर को रिपेल नहीं करता है, जबकि जो हाइड्रोफोबिक है वो वाटर को रिपेल करता है। द फॉस्फेट एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड इज़ हाइड्रोफिलिक एंड द फैटी एसिड पोर्शन इज़ हाइड्रोफोबिक। तो जो फैटी एसिड पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होगा। अब इस हाइड्रोफोबिक पोर्शन की वजह से जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर को रिपेल करते हैं, पर म्यूचुअली एक दूसरे के साथ वो अटैच होते हैं। अब इस टेंडेंसी की वजह से जो मोस्टली लिपिड हैं वो क्या होते हैं, मिडल में अरेंज होते हैं। अब जो हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट पोर्शन है वो क्या होता है, टू सरफेस ऑफ कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन इन कॉन्टैक्ट विद इंट्रा सेलुलर वाटर ऑन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर ऑन आउटसाइड ऑफ द सरफेस। अब क्या है, बेसिकली जो हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट पोर्शन है ना, उसके भी आगे उन्होंने बताया कि दो पार्ट है, एक वो होगा जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर के साथ इन कॉन्टैक्ट होगा, एक वो होगा जो साइटोप्लाज्म के अंदर इन कॉन्टैक्ट होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब इंट्रा सेलुलर वाटर के साथ वो इन कॉन्टैक्ट होगा। और अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो क्या था, बेसिकली वाटर को वाटर लविंग था, और जो मिडल में हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या होगा, वाटर रिपेलेंट होगा। इसीलिए जितनी भी जो लिपिड नेचर है वो क्या होती है कि वो वाटर को इम्परमीएबल होती है, वाटर को गुजरने नहीं देती, पर जो आइंस हैं जैसा कि ग्लूकोज है, आइंस हैं, यूरिया है, उसको क्या करती है, वो पास नहीं होने देती। कन्वर्सली फैट सोल्युबल सब्सटेंसेस, अब जो फैट सोल्युबल सब्सटेंसेस है जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी जो आपकी लिपिड इन नेचर लेयर है उसमें से आराम से गुजर जाती हैं। उसके अलावा जो कोलेस्ट्रोल मॉलिक्यूल हैं जो मेम्ब्रेन में, वो भी लिपिड इन नेचर होते हैं, तो वो फैट सोल्युबल को या स्टीरॉयडल जो न्यूक्लियस वाले फैटी पोर्शन होगा उसको आराम से गुजरने देंगे। अब जो प्रोटीन है वो दो तरह की होती है, इंटेग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटेग्रल होती है वो थ्रू आउट दी मेम्ब्रेन मतलब के चैनल की फॉर्म में आर पार जाएगी, और जो पेरिफेरल पोर्शन प्रोटीन्स होती हैं वो जस्ट पेरिफ्रीज पे अटैच होती हैं। अब जो इंटेग्रल हैं वो क्या करती हैं, वो चैनल की तौर पे एक्ट करती हैं, और जो आपका जितना भी एक्सचेंज है वो चैनल के थ्रू आइंस का हो रहा होता है, जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा होती हैं। अदर इंटेग्रल प्रोटीन एक्ट एज ए कैरियर प्रोटीन फॉर दी ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस दैट अदरवाइज कुड नॉट पेनिट्रेट द लिपिड बाय लेयर। अब इधर बात हुई है कि आपका जो इंटेग्रल प्रोटीन है वो कैरियर प्रोटीन के तौर पे भी एक्ट कर रही है, बाज़ का ये क्या करती है कि समटाइम दीज इवन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन डायरेक्शन ओपोजिट टू द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट। बाज़ का ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी एक्ट करती है कि मतलब जो
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले चीज़ है उसको ऑपोजिट लेके चलती है, लो से हाई की तरफ मूव करती है। इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन आल्सो सर्व एज रिसेप्टर फॉर वाटर सोलेबल केमिकल सच एज पेप्टाइड हार्मोन दैट डू नॉट ईजिली पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। अब बाज़ जगह ये रिसेप्टर के तौर पर एक्ट कर देती है ताकि वाटर सोलेबल केमिकल को पास कर सकें। इंटरेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर विद स्पेसिफिक लिगेंड दैट बाइंड टू रिसेप्टर काजेज कन्फर्मेशनल चेंजेस इन रिसेप्टर प्रोटीन। बाज़ का क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ जो रिसेप्टर होते हैं उनके पास जैसे ही कोई लिगेंड आके अटैच होता है वो सेल के अंदर ओवरऑल चेंज लाते ले आते हैं उसके स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल अपनी जो फंक्शनिंग है वो चेंज कर लेता है। उसके अलावा एक और बात बताई है कि एंजाइमेटिकली एक्टिवेट द इंट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ प्रोटीन इंड्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द रिसेप्टर एंड प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म दैट एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर। अब बाज का जो आपका जैसे रिसेप्टर के साथ कोई भी लिगेंड आके अटैच होता है वो इंट्रा सेलुलरली सेल को चेंज कर देता है, उसके फंक्शन को चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है? वो सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट करता है, उसकी फॉस्फोराइजेशन करता है, एटीपी रिलीज करता है और फिर सेल के अंदर जो उसकी प्रोटीन की फंक्शनिंग है उसको चेंज कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इन दिस वे इंटेग्रल प्रोटीन स्पेनिंग दी सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट टू द सेल इंटीरियर। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपके सेल के आर पार इंफॉर्मेशन जा सकती है। पेरिफेरल प्रोटीन आर ऑफन अटैच टू द इंटेग्रल प्रोटीन। अक्सर जो पेरिफेरल प्रोटीन है इंटेग्रल प्रोटीन का पार्ट होती हैं। दीज पेरिफेरल प्रोटीन फंक्शन ऑलमोस्ट इंटायरली एज एंजाइम और एज ए कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन पोर। अब इस तरह जो मेम्ब्रेन के पोर्स हैं उसके थ्रू एंजाइम आ जा सकते हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये सारी बात हो रही है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट भी आपके सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट अक्कर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन और लिपिड। अब आपके जो मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट हैं वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट बन के नहीं अटैच होते, या प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइको प्रोटीन बनाएंगे, लिपिड के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइको लिपिड्स बनाएंगे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द इंटेग्रल प्रोटीन आर ग्लाइको प्रोटीन एंड अबाउट 1/10 ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स आर ग्लाइको लिपिड। मोस्टली जितनी प्रोटीन है वो ग्लाइको प्रोटीन होते हैं इंटेग्रल प्रोटीन, और जितना भी आपका 1/10 है लिपिड्स का वो ग्लाइको लिपिड्स होता है। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एज ए कंपल्सरी मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है प्रोटीन के साथ। अच्छा, द ग्लाइको पोर्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रोट्रूड टू आउटसाइड ऑफ द सेल डेंगलिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेल सरफेस। अब बात क्या है इधर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पार्ट बना रहा है तो ये क्या करता है, ये आउटसाइड द सेल मौजूद होता है। मैनी अदर कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड द प्रोटियोग्लाइकेन विच आर मेनली कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस बाउंड टू द स्मॉल प्रोटीन कोर्स आर लूजली अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द सेल एज वेल। अब कुछ प्रोटियोग्लाइकेन आउटर सरफेस पे भी अटैच होते हैं। अब ओवरऑल जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का कोट है उसको ग्लाइको कैलेक्स बोलते हैं। अब इसके क्या क्या फंक्शन है, एक तो सबसे पहले ये जो ग्लाइको प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब दूसरे नंबर पे इसका फंक्शन क्या है कि ग्लाइको कैलेक्स ऑफ सम सेल्स अटैच दी ग्लाइको कैलेक्स ऑफ अदर सेल। अब कुछ ग्लाइको कैलेक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बना लेते हैं। मैनी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज ए रिसेप्टर सब्सटेंसेस फॉर बाइंडिंग हार्मोन सच एज इंसुलिन। व्हेन बाउंड दिस कॉम्बिनेशन एक्टिवेट अटैच्ड इंटरनल प्रोटीन दैट इन टर्न एक्टिवेट ए कैस्केड ऑफ इंट्रा सेलुलर एंजाइम। अब बाज़ जगह पे कार्बोहाइड्रेट जो आपके सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है वो एज ए रिसेप्टर काम करता है। रिसेप्टर काम करता है तो क्या कर रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है
कि इंसुलिन को अटैच करने के लिए जो रिसेप्टर यूज़ होता है वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। वो जैसे ही उसके साथ अटैच होती है वो अपना सेलुलर स्ट्रक्चर चेंज करके एक एंजाइम का कैस्केड स्टार्ट कर देता है ताकि आपका इंसुलिन बॉडी में यूटिलाइज हो सके। अब कुछ जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेड होते हैं आपके इम्यून रिएक्शंस में। अब उसके बाद बात आती है, ये सारा था जो हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि वो प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड से मिलकर बने। अब बात आती है सेल मेम्ब्रेन और उसके ऑर्गेनाइल्स की, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनाइल्स की। दिस साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विद बोथ माइन्यूट एंड लार्ज डिस्पर्स पार्टिकल एंड ऑर्गेनाइल्स। अब साइटोप्लाज्म में स्मॉल और लार्ज दोनों किस्म के पार्टिकल मौजूद हैं। अब जो लिक्विड पार्ट है उसको साइटोसोल बोलते हैं और इसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज मौजूद होते हैं। और अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइल्स की तो पांच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स और परऑक्सीसोम्स। तो सबसे पहले मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो ये क्या होता है, ये ट्यूबुलर और फ्लैट वेजिकुलर स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ट्यूब्स और वेजिकल आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये भी लिपिड बाय लेयर है इन नेचर। और ये क्या कर रहा है कि जितनी भी इसके टोटल सरफेस एरिया है, अगर मैं बात करूँ लीवर सेल के अंदर, तो ये 30 to 40 times ज़्यादा होता है इसके स्ट्रक्चर का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से। अच्छा, और इसके जो वेजिकल और ट्यूब हैं इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स मौजूद होता है जो कि मीडियम प्रोवाइड करता है सारे रिएक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोज दैट स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड विद स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। सब्सटेंसेस फॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द सेल एंटर द स्पेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन कंडक्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ सेल। अब जैसे ही एक जगह से कोई वेजिकल बनाया वो इसके अंदर ट्रैवल करता करता दूसरी तरफ मूव कर जाता है। द वास्ट सरफेस एरिया ऑफ रेटिकुलम एंड द मल्टीपल एंजाइम सिस्टम अटैच टू इट्स मेम्ब्रेन प्रोवाइड मशीनरी फॉर मेजर शेयर ऑफ द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल। अब इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है, बड़े फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा बात हुई है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इसको ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये आरएनए और प्रोटीन की फॉर्मेशन और सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं है तो उसको बोलते हैं ए ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ए ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली आपके लिपिड को, लिपिड की सिंथेसिस कर रहा होता है। तो जितने भी इंट्रारेटिकुलर एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, इसकी वजह से बनते रहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनाइल्स को देखा, सारे ऑर्गेनाइल्स में हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। तो इस पार्ट तक आपको जितने क्वेश्चन क्यूरीज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अभी मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछला पॉइंट क्लियर करके नेक्स्ट मूव करूँ। तो इसी से आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।